जितने भी मदरसे हैं यहाँ पर इंसान लाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों को खौफ है इस बात का कि इस्लाम को रोका जाए, ये वो लोग काम कर रहे हैं। मदरसे तोड़ने से इस्लाम की रफ्तार बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और इससे ज्यादा तेजी से इस्लाम फैलेगा। जो 5 साल के अंदर इस्लाम का खूबसूरती सामने आई है लोगों के अंदर, और जिस तरह लोग इस्लाम की तरफ भाग रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से भाग रहे हैं जो लोग मदरसे तोड़ रहे हैं। जितने मदरसे तोड़े जाएंगे, दिल में से इस्लाम को निकाल सकती है लोग। इस्लाम जो है वो दिल से दिल में बसा हुआ है, दिमाग में बसा हुआ है, और इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जहाँ ढापा छुआ छात नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम सबको सिखाता, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा और नवाज। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसी बहुत से पहले भी बहुत से लोगों ने कोशिश करी है इस्लाम को ख़त्म करने की, ख़त्म नहीं हुआ, इस्लाम बढ़ा है। लगातार असम सरकार इस तरीके से चीज़ें कर रही है, इस पर क्या कहना है? उनको खतरा है असम सरकार को कि लोग इस्लाम की तरफ चल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, वरना इन दीवारें तोड़ने से इस्लाम खत्म नहीं हुआ और बढ़ेगा। जितनी ये खबर जाएगी कि इस्लाम पर हमला हो रहा है, लोग इस्लाम को उसी मजबूती के साथ उसको पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, और जब इस्लाम को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग इस्लाम की तरफ आएंगे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।